आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है इफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 4ik + 2jk एंड एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 3ik + 4kk, व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क डन। तो जैसा हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स यानी कि एफ वेक्टर डॉट डिस्टेंस या फिर डी आर वेक्टर। मतलब अगर हमने कोई ये डी आर वेक्टर ट्रेवल करी है एक फोर्स लगाकर, जैसे हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई, मतलब डी आर इतना सा डिस्प्लेस हो गई, तो उस वाले केस में हमने कितना वर्क करा उसको डिस्प्लेस करने के लिए उस फोर्स के थ्रू, उसको बोलते हैं वर्क डन। अब ये यहां पर हमें एफ की वैल्यू गिवन है 4ik, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 4ik + 2jk और एस वेक्टर यानी कि डी आर वेक्टर जो है इसके अंदर वो है 3ik + 4kk। अब हमें इन दोनों का क्या है डॉट प्रोडक्ट करना है वर्क डन निकालने के लिए, तो उससे क्या है वर्क डन निकल जाएगा। तो w क्या आ जाएगा, w इज इक्वल्स टू 4ik + 2jk डॉट 3ik + 4kk। अब i के वाले कंपोनेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, और फर्स्ट में तो है हमारे पास में jk, सेकंड वाले के अंदर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 into 0, और फर्स्ट के अंदर kk नहीं है मतलब 0, और सेकंड वाले टर्म्स के अंदर है kk यानी कि into 4, तो ये वाली चीज आ जाएगी सिंपली 12 यूनिट्स। तो वर्क डन कितना आ गया 12 यूनिट्स, मतलब ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।